हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टार्ट करते सीधा ही, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के फाइन स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग देखते हैं। देखो, ये हम लोग मानते हैं एन इक्वल्स टू टू लेवल है, राइट। ये है एन इक्वल्स टू वन लेवल। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एन इक्वल्स टू टू लेवल से एन इक्वल्स टू वन लेवल में ट्रांजिट करता है, तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि इस ट्रांजिशन के टाइम एक फोटोन इमिट होता है किसी फिक्स्ड एनर्जी का। ठीक है, ये निकल गया फोटोन। ठीक है, तो ये तो क्या है, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। लिखते लिखते चलो, इसको आप लोग नोट्स भी बना लो साथ में। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम एन इक्वल टू टू लेवल टू एन इक्वल्स टू वन लेवल। ठीक है, टू से वन में आ रहा है, इट इमिट्स अ फोटोन ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। देख, फिक्स्ड एनर्जी का फोटोन इमिट करता है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि अगर हम लोग जो हमारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उसकी रिजोल्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं और फिर इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, बट इफ वी इंक्रीज रिजोल्यूशन पावर, ठीक है, तो उस केस में वी ऑब्जर्व दैट ये जो ट्रांजिशन है ना, इसके लिए दैट फॉर दिस ट्रांजिशन, सर्दी में सुबह सुबह हाथ ही नहीं चलते यार, फॉर दिस ट्रांजिशन देयर आर टू फोटोन्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम लोग उसकी जो रिजोल्यूशन पावर है उसको बढ़ा के देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि सिंगल फोटोन निकल रहा है एक फिक्स एनर्जी का, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि लगभग सेम एनर्जी के दो फोटोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन्स हैं, दो लाइन्स मिल जाएगी हमको अगर दो फोटोन निकल रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं फोटोन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन बेसिस ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप देखो, एक बार वो लाइन्स वगैरह बता देती हूँ। जब हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं ना ग्राफ को, तो जैसे कि ये नंबर ऑफ फोटोन्स है, यहाँ पर एनर्जी है ना इस एक्सिस पे, तो लगभग सेम एनर्जी की हमको दो लाइन्स मिल जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो ये चीज़ हो गई कि होता क्या एक्चुअली में। उसके बाद हम लोग को फॉर्मूला वगैरह देखना है, तो देखो जैसे कि ये है एन इक्वल टू टू लेवल। ठीक है, एन की वैल्यू अगर टू है, तो जब हमने क्वांटम नंबर्स वगैरह पढ़े थे उससे बेसिक नॉलेज पता है, एन की वैल्यू टू है तो एल की वैल्यू क्या होगी, वन भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। एल इक्वल्स टू वन के लिए फिर एस की वैल्यू हाफ हो सकती है, एल इक्वल्स टू जीरो के लिए भी हाफ हो सकती है। अब जब एल की वैल्यू वन है और एस की वैल्यू हाफ है, तो जे की वैल्यू क्या हो सकती है, एल माइनस एस से एल प्लस एस के बीच में होगी ना, यानी कि जे की वैल्यू हमारे पास में हाफ भी हो सकती है और थ्री बाई टू भी हो सकती है, राइट, हाफ और थ्री बाई टू। एक लेवल इसके लिए आएगा एल इक्वल टू जीरो और एस इक्वल टू हाफ के लिए। ठीक है, उसके बाद में एन इक्वल टू वन के लिए अगर हम प्लॉट करते हैं, एल की वैल्यू जीरो ही हो सकती है सिर्फ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, और एस की वैल्यू जो है वो हाफ हो सकती है। ठीक है ना, तो ये यहाँ से हम लोग जे की वैल्यू हाफ निकल जाती है। तो हमको यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे मेन क्वेश्चंस के अंदर यूज़ में आएगा वो क्या है कि ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, ओके, इसके बाद इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, राइट, इसकी वैल्यू क्या होती है, ओके, ये चीज़ें हमारे पास में मेन। डेल्टा टी, अगर हम इसको वेव नंबर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो डेल्टा टी इक्वल टू आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर फोर डिवाइडेड बाय एन क्यूब एल एल प्लस वन। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पर सेलेक्शन रूल क्या लगता है, सेलेक्शन रूल है कि डेल्टा एल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आपको, अब ये तो वेव नंबर डिफरेंस की फॉर्म के अंदर है, अगर आपको एनर्जी की फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा ए क्या होता है,
डेल्टा टी इंटू एच सी। ओके, ये फॉर्मूला आपको मेन याद करना है क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए, और इस फॉर्मेट आप अपने आप ही कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर इसको सही से लिखने के लिए लिखना चाहो तो लिख दो, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम एन एनर्जी लेवल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। दिख रहा है ना, स्पिन ऑर्बिट एल और एस के बीच में इंटरेक्शन की वजह से, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड एनर्जी, या फिर हम बोलें कि वेव नंबर डिफरेंस, जिस भी फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन टू स्प्लिटेड लेवल्स इज गिवन बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन क्यूब एल एल प्लस 1। ओके, मीटर इनवर्स। और देखो न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो उस केस के अंदर टू सिंप्लीफाई इट, क्योंकि आर इन्फिनिटी वगैरह की वैल्यू भी आती है ना, तो अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 5.84 जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन क्यूब एल इंटू एल प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ये वेव नंबर डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया हमने, एनर्जी डिफरेंस के लिए वही डेल्टा ही क्या होगा, डेल्टा टी इंटू एच सी। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग एक बार इसके लिए सेलेक्शन रूल्स देख लेते हैं। देखो सेलेक्शन रूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो सेलेक्शन रूल्स फॉर सिंगल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, पहला तो एक है डेल्टा एन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है कि जो डेल्टा एल है वो प्लस माइनस 1 होना चाहिए, मोस्टली क्वेश्चंस में हमको यही चेक करने का होता है, ठीक है। हम लोग को जो न्यूमेरिकल्स वगैरह दिए जाते हैं ये चेक करने के ऊपर बेस्ड होते हैं मोस्टली। डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के अंदर पैरिटी चेंज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंस व्हेन इलेक्ट्रिक, इसको तो नोट करके अच्छे से लिख लेना, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन पैरिटी मस्ट चेंज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा एस इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वैलिड, ये जो टर्म्स क्या होती है मैं आपको बहुत बार पहले बता चुकी हूँ ना, तब सिर्फ हम लोग इनके रूल्स देख रहे हैं। ये वैलिड होता है सभी तरह के ट्रांजिशंस के लिए। फोर्थ क्या होता है कि डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 प्लस में, ये ट्रांजिशंस है ना, हमारे एक सीनियर भैया था वैसे लिखते थे, तो तब से मेरी भी आदत है, लिख देती हूँ, फिर भी कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए कि टो कहाँ से आ गया, ठीक है। डेल्टा जे जो है वो 0 प्लस माइनस 1 है, तो ये सब इसके सेलेक्शन रूल्स हो चुके हैं। अब इसके साथ में हम लोग को जो भी एग्जाम्पल्स है ना वो देख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने, विथ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इन चारों में से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द डिफरेंस ऑफ स्पिन ऑर्बिट करेक्शन टू एनर्जी बिटवीन स्पिन डाउन एंड स्पिन अप इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम इज, ठीक है। तो स्पिन ऑर्बिट करेक्शन के अकॉर्डिंग अभी हमने देखा है कि डेल्टा टी जो है कितना होता है, आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है, जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन क्यूब एल एल प्लस 1। तो ये क्या बोल रहा है कि जो सेपरेशन है ना वो इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जेड बढ़ाएंगे तो बढ़ रहा है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, तो ये चीज़ सही हो गई। डिक्रीज विथ एन, एन डिनोमिनेटर में है, एन को बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, सही बात है, ठीक है। इंक्रीज विथ एन तो ये सही है, तो ये ऑब्वियसली गलत ही होगा, ठीक है। अगर हम एन को बढ़ाएंगे तो ये चीज़ कम होगी, यानी ये चीज़ गलत हो गई। और डिक्रीज विथ एल, ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल, तो एल को हम लोग डिक्रीज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ये डिक्रीज होगा, तो ये चीज़ भी सही है। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिलेशन देख के बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। वैसे भी ये टू अपोज कर रहे हैं, तो एग्जाम में अगर ऐसा आता है ना तो इन दो को तो देखने की जरूरत ही नहीं, सीधा इन दो में से देखो कौन सा सही है कौन सा गलत है, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द स्पिन ऑर्बिट
जो स्प्लिटिंग है ना, इसी स्प्लिटिंग को निकालने के लिए हमको बोला गया है, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन स्प्लिटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन इक्वल्स टू टू एंड एल इक्वल्स टू वन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एन इक्वल्स टू टू है, एल इक्वल्स टू वन है, इसके लिए हमको स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन स्प्लिटिंग कैलकुलेट करनी है। तो ये एन इक्वल्स टू टू, एल इक्वल्स टू वन रखा, सिंपली क्या है फॉर्मूला में रखना, और फॉर्मूला मैंने आपको अलग से न्यूमेरिकल्स के लिए बताया कि डेल्टा टी क्या होता है, 5.84 जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन क्यूब एल इंटू एल प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी होगी, हाइड्रोजन एटम बोला है तो जेड की वैल्यू 1 होगी। जेड दे रखा है, एन दे रखा है, एल दे रखा है, सारी चीज़ें आपको पता है ना, सिंपली आप वैल्यूज रखिए और आंसर निकाल लीजिए। 5.84, 1 की पावर 4 1, ठीक है, एन का क्यूब 2 का क्यूब 8 इंटू एल एल प्लस वन यानी 1 इंटू 2, यानी सिर्फ इसको डिवाइड करना है और 0.365 सेंटीमीटर इनवर्स इज योर आंसर। ठीक है, अब इसके लिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड अभी जो, अभी तो क्या काफ़ी टाइम हो गया, मार्च के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी क्वेश्चन आ रखा है। देखो क्योंकि क्या होता है कि ये जो हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे कॉलेज एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है या फिर टेक्निकल एजुकेशन का या ये जितने भी हैं, इनमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मोस्टली गेट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, और तो इसी वजह से कंसेप्ट ओके वही है ना सारा, कितना भी घूम घूम के कर लो आप लोग। क्वेश्चन है, इफ द डबलेट स्प्लिटिंग ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2d5/2 2d3/2 ऑफ हीलियम प्लस इज दिस, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या है कि हीलियम प्लस के लिए दे रखा है कि स्प्लिटिंग कितनी होगी, और वही कॉरेस्पॉन्डिंग सेपरेशन हमको हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है। तो इसमें हम लोग इनका सिंपल रेशियो से निकाल सकते हैं, मतलब फॉर्मूला हमको पता है और कैसे प्रोपोर्शनलिटी होती है वो हमको पता है। ठीक है, तो डेल्टा टी वी नो इज प्रोपोर्शनल टू जेड की पावर 4, राइट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेल्टा टी हाइड्रोजन हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और डेल्टा टी हीलियम, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, देखो जेड की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई हीलियम, हीलियम के लिए मतलब यहाँ पर लिखना है ना हमको, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 होती है, तो 2 की पावर 4 लिख लूँ मैं, राइट। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 यानी कि 16, यहाँ पर हमको निकालना है डेल्टा टी एच। ठीक है, तो 1/16 इंटू का डेल्टा टी हीलियम के लिए जितना भी दे रखा है, तो 1/16 इंटू 3.67, तो ये सॉल्व करने के बाद 0.229 यानी कि लगभग 0.23 सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय बाय।